हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। और आज सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आज जो हमारा 100 एपिसोड है फ्रेंड्स, यानी कि हमने आज पूरे 100 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं। किस तरह ये 100 एपिसोड्स बन गए पता ही नहीं चला बिल्कुल। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपके सहयोग के ये पॉसिबल नहीं हो पाता था फ्रेंड्स। क्योंकि ये एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, ये जो यूट्यूब की जर्नी कैसे शुरू हुई है, मैंने 2 वीडियोज़ अपने डाले थे शुरू में। एक मेरी जो हम जो क्लासेस देते हैं उसके बारे में एक हमने वीडियो बनाया था, एक छोटी सी शोरील कुछ 1 मिनट 36 सेकंड्स की। और एक मैंने अपना जो मेरा खुद का वर्क है पैशन फोटोग्राफी का, उसका मैंने एक छोटा सा एक शोरील बना के यूट्यूब पे ये सोच के डाला था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस काम को देख पाएँ। लेकिन मैंने कुछ टाइम के बाद देखा कि उस पर करीब 500 से 1000 व्यूज़ आ गए हैं। तो वहाँ से जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और नीचे लोगों ने कमेंट किया कि सर आप हमें क्या YouTube पे वीडियोस बना के दिखा सकते हैं, और क्या आप फोटोग्राफी के बारे में जो भी नॉलेज है आपका वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये सोच के ही मैंने जो है आगे कंटिन्यू किया और सोचा कि चलिए अब हम जो है रेगुलर YouTube पे वीडियोस बनाएंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप अपना सपोर्ट हमें देते रहें ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहें, और ज़रूर हम अपनी वीडियो की क्वालिटी पर भी आप अच्छे से ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर मैं 3 सवालों का जवाब दूंगा जो मुझे अक्सर पूछा गया है काफ़ी टाइम से, जब से मैंने चैनल शुरू किया है। हर बार जो है कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछता है या व्हाट्सएप करता है। चलिए वो 3 सवाल क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वो जो 3 सवाल है मुझे पूछा गया है कि सर फोटो एडिटिंग के लिए या फोटोग्राफर्स के लिए बेस्ट कंप्यूटर कौन सा है। दूसरा मुझे सवाल पूछा गया है कि हम पीसी लें या फिर जो है हम यूज़ करें मैक। और जो तीसरा सवाल मुझसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है फ्रेंड्स कि डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदें या फिर हम जो है लैपटॉप पे काम करें। तो चलिए ये तीनों मैं सवालों को मिक्स करके जो है एक अच्छा सा एक आपके लिए जो मेरी समझ से जो मेरी राय है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि सबसे पहला सवाल था कि हम डेस्कटॉप यूज़ करें या फिर लैपटॉप यूज़ करें, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप डेस्कटॉप लें या लैपटॉप, ये आप अपने काम के हिसाब से चूज़ कीजिए कि आपका वर्क फ्लो कैसा है, आप कितना सारा काम करते हैं, या अगर आप एक फुल टाइम एडिटर हैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम फोटोशॉप पे होता है और लाइट रूम पे होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर लें, क्योंकि वहाँ पर आप बैठ के दिन भर एडिटिंग कर सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि जो डेस्कटॉप की कॉस्ट है वो लैपटॉप से लगभग 30% कम होती है, तो वो भी आपको एक बेनिफिट मिलता है। और जो एक बेनिफिट ये मिलता है कि स्क्रीन जो है वो आपको हमेशा बड़ा स्क्रीन मिलेगा जिसपे आप अच्छे से काम कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपका जो वर्क फ्लो है वो आप इस हिसाब से देखिए कि आप फोटोग्राफी और एडिटिंग खुद खुद ही करते हैं, या फिर आपको जो लैपटॉप देख रहे हैं आप या डेस्कटॉप देख रहे हैं वो आप सिर्फ अपने फोटोग्राफी काम के लिए देख रहे हैं। अगर आप फोटोग्राफी के काम के लिए देख रहे हैं तो फिर आप ये डिसाइड कीजिए कि अगर आप स्टूडियो ओन करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डेस्कटॉप लें, क्योंकि स्टूडियो के अंदर अगर आपके पास अपना खुद का स्टूडियो है तो आपको एक काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं उस पर। आप वहाँ पे अपने टेदर कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप के साथ में, दिन भर आप उस पर एडिटिंग भी, प्रोसेसिंग, रॉ इमेज को प्रोसेस करना, वो सारा आप काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास अपना स्टूडियो नहीं है और आप इंडोर आउटडोर दोनों ही शूट करते हैं, यानी कि आप स्टूडियो हायर करके काम करते हैं और आउटडोर लोकेशन पे ज़्यादा काम करते हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लैपटॉप पे ज़्यादा ध्यान दें, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। क्योंकि लैपटॉप जो है वो आप कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, थोड़ा इजी टू सेटअप होता है और आपको हर सिचुएशन में वो काम आ सकता है, और आपको एक अच्छी मोबिलिटी भी रहती है कि आप कहीं भी शूट करें लैपटॉप आपके साथ साथ जाता है। तो ये आपके अपने काम के हिसाब से, अपने वर्क फ्लो के हिसाब से आपको तय करना है कि आपको डेस्कटॉप लेना है या फिर लैपटॉप लेना है। अपनी अपनी जगह दोनों ही ऑप्शंस बहुत ही अच्छे हैं फ्रेंड्स। और जो दूसरा मुझसे सवाल किया गया है जो कि बहुत कॉमनली लोगों ने पूछा है कि सर हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पीसी पे काम करें या फिर मैक पे काम करें। देखिए ये बहुत बड़ी एक डिबेट का विषय है, लेकिन आजकल मैं आपको बता दूं कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आ रहे हैं। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ग्राफिक कार्ड्स हो या उनका आर्किटेक्चर हो या फिर उनके रिजोल्यूशंस हो, वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं आजकल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी। तो हम ये नहीं कह सकते कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से कम है, दोनों ही काफ़ी अच्छे रोबस्ट सिस्टम है और काफ़ी एडवांस सिस्टम है। जहाँ तक मैक का सवाल है फ्रेंड्स, मैं पर्सनली मैक यूज़ करता हूँ, उसके कुछ रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊँगा।
मैक में मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि मैक वो जो है बहुत एक तो यूज़र फ्रेंडली है, अगर आपको ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो मैक सिस्टम है ये ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर्स फोटोग्राफर्स को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है, चाहे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये मैकबुक प्रो आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पर रखी हुई है, तो ज़्यादातर काम मैं इस मैकबुक प्रो पे ही करता हूँ। इसके अंदर अगर आप एडोबी लाइट रूम चला रहे हैं या एडोबी फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं या फिर आप कैप्चर वन प्रो पे काम कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर्स काफ़ी हैवी हैं, जो कि आपके अगर आपकी मशीन में अच्छी रैम होनी चाहिए, अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, तभी ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं ज़्यादातर स्मूथ चलते हैं। तो मैक में एक एडवांटेज है कि ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं बगैर क्रैश हुए कभी भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। बीइंग अ फैशन फोटोग्राफर मैं ज़्यादातर रॉ पे ही शूट करता हूँ, और मेरी एक रॉ की इमेज की जो साइज़ है वो लगभग 70 to 75 MB होती है जब मैं टेदर करके शूट करता हूँ, तो काफ़ी सारा डेटा होता है जो मुझे बाद में प्रोसेसिंग के लिए ओपन करना पड़ता है। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर के अंदर जो है मेरी इमेजेस बहुत इजीली ओपन हो जाती हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो मुझे पर्सनली मैक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरा कारण ये है कि मैक जो है उसका रिजोल्यूशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, उसके ग्राफिक कार्ड्स काफ़ी एडवांस होते हैं। हालांकि आप विंडोज़ या पीसी आप यूज़ कर रहे हैं या आप मैक यूज़ करते हैं, इन दोनों सिचुएशन में ही जो है अगर आपको ट्रू कलर्स चाहिए तो आपको अपनी स्क्रीन को जो है वो कैलिब्रेट करना पड़ेगा, चाहे मैक हो या विंडोज़ हो। बट ज़्यादातर मैंने पाया है कि जो मैक के जो कलर्स हैं वो थोड़े से बेटर होते हैं कंपेयर टू पीसी। हालांकि पीसी में भी ग्राफिक कार्ड्स आजकल बहुत ही अच्छे आ रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं कुछ वो पीसी ऑपरेटिंग पे ही काम कर रहे हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और मैंने देखा है कि आफ्टर कैलिब्रेशन उनके कलर्स भी उतने ही स्ट्रांग आते हैं जितना कि आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे देखते हैं। तो फिर आपके पर्सनल चॉइस है कि आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो तीसरा सवाल मुझसे पूछा गया है वो ये मुझे पूछा गया है कि सर विच इज़ द बेस्ट कंप्यूटर और लैपटॉप फॉर फोटो एडिटिंग। तो फ्रेंड्स ये मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं ये बातें आप थोड़ा ध्यान रखिए, आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा इस सवाल का। और जहाँ तक बेस्ट कंप्यूटर या बेस्ट लैपटॉप का सवाल है फोटो एडिटिंग के लिए, तो कोई भी अभी तक बेस्ट मशीन बनी नहीं है। हर मशीन जो है किसी ना किसी अपग्रेड के साथ या एडवांसमेंट के साथ जो है धीरे धीरे वो नए मॉडल्स लाते जाते हैं। बट कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि अगर आप एक नया कॉन्फ़िगरेशन या नया आप एक लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर अपने लिए ले रहे हैं, फिर वो चाहे मैक का हो या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग हो, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि आप रैम पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जो कैमराज आ रहे हैं नए उसमें काफ़ी हैवी फाइल्स होती हैं रॉ की, तो मिनिमम आपके पास जो है 16 GB रैम तो होना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स देखे हैं जिनके पास में कैमरा और लेंसेज बहुत एडवांस हैं, लेकिन जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर वो इमेज को प्रोसेस करते हैं वो काफ़ी वीक है, यानी कि 4-4 5-5 साल पुराना है। तो ये चीज़ फ्रेंड्स ठीक प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर आप अपना नया कंप्यूटर आप अपग्रेड कर रहे हैं या आपको नया लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्रोसेसर हो वो बिल्कुल लेटेस्ट हो, स्ट्रांग हो, और एक अच्छी सॉलिड मशीन होनी चाहिए आपके पास में। फिर उसमें आप प्रोसेसर को देखिए, रैम को देखिए, उसमें कौन सा ग्राफिक कार्ड है आप उसे देखिए। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आप उसके अंदर उसको आप कैसे कैलिब्रेट करते हो, स्क्रीन का साइज़ कितना है आपका और आपकी नेचर ऑफ वर्क कैसी है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आप अपना जो है फैसला ले सकते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जो जो कि अपना जो लैपटॉप या डेस्कटॉप आता है उसकी स्टोरेज भी यूज़ करते हैं, उसमें काफ़ी सारी पिक्चर्स जो हज़ारों इमेजेस जो है उसमें डाल देते हैं, फिर वो धीरे धीरे मशीन आपकी स्लो होने लगती है। मेरा मेरा एडवाइस ये है कि आप ऐसा मत करिए, आप भले ही उसमें आप दूसरा अपना जो और फाइल्स हैं आपकी पर्सनल फाइल्स हैं वो डालिए, लेकिन अगर आप फोटोग्राफी का काम करते हैं तो आप एक अलग से अपनी एक हार्ड डिस्क लीजिए और सारा डेटा आप उसमें रखा कीजिए, और फिर आप एक्सेस करके हार्ड डिस्क से फिर आप काम करें। इससे बेनिफिट ये होता है कि 3-4 साल आपकी मशीन जो है बिना किसी झंझट के वो एकदम स्मूथली चलती है, और उसके बाद फिर आप उसको एक बार दोबारा रीसेट करके आप दोबारा सारा सॉफ्टवेयर अपडेट करके फिर आप उसे दोबारा अच्छे से चला सकते हैं। तो आपकी मशीन जो है वो बिना किसी प्रॉब्लम के वो आपका 3-4 साल अच्छे से साथ देगी, और हर 3-4 साल में आपको अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप ज़रूर चेंज करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी सिस्टम आ रहा है उसकी लाइफ 3 ईयर्स के ज़्यादा होती नहीं है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। उसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक मैक और पीसी का सवाल है, मुझे ये भी काफ़ी लोगों ने पूछा है कि सर हमने अक्सर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के पास में जो है मैक सिस्टम ज़्यादा देखा है कंपेयर टू पीसी। देखिए उसका कारण ये है कि जो मैक है वो शुरू से ही जो है ग्राफिक डिज़ाइनर्स फोटोग्राफर्स के लिए एक अच्छी चॉइस रहा है, क्योंकि
वो जो भी अपना मैक, जो भी अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप बनाते हैं, वो इन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को की ज़रूरतों को ध्यान में रख के, फोटोग्राफर्स की ज़रूरतों को ध्यान में रख के बनाते हैं। फिर चाहे वो रिजोल्यूशंस हो, उनके ग्राफिक कार्ड्स हो, उनके प्रोसेसर हो, या उनका जो सॉफ्टवेयर, उनका जो आर्किटेक्चर है पूरा, वो बहुत ही सपोर्ट करता है एडोबी लाइट रूम को, एडोबी फोटोशॉप को, कैप्चर वन प्रो को, जो कि काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये बहुत स्मूथली मैक के ऊपर रन करते हैं और मैक जो है वो क्रैश नहीं होता, वायरस फ्री होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैक के बहुत अच्छे हैं, जिस वजह से प्रोफेशनल फोटोग्राफर ज़्यादातर मैक को चूज़ करते हैं। और 1 साल की वारंटी के साथ उनका 2 ईयर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, एप्पल प्रोटेक्शन प्लान, वो आप ले सकते हैं। तो 3 ईयर्स के लिए आपकी मशीन जो है कम्प्लीटली सिक्योर हो जाती है, इंक्लूडिंग डिस्प्ले स्क्रीन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस वजह से प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स ज़्यादातर मैक यूज़ करना प्रेफर करते हैं। बाकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या मैक हो, आजकल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से दोनों ही बिल्कुल नेक टू नेक फाइट के साथ में आते हैं, बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ में आते हैं। तो उम्मीद है आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी आप बेल का आइकन प्रेस करते हैं तो हमारा जब नया वीडियो रिलीज होता है तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है कि आज हमारा नया वीडियो रिलीज हुआ है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारा चैनल दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।